Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. व्यूअर्स, थ्री लैंड्स बॉर्डर पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। इसको फाल्कन बर्ग भी कहते हैं। तो नाज़रीन, ये वो जगह है जहां पे तीन मुल्कों के बॉर्डर आपस में मिलते हैं। ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये जर्मनी है। ये अब बेल्जियम में हम आ गए। नीदरलैंड्स और ये हॉलैंड है। तो तीनों मुल्क एक मिनट के अंदर अंदर फिर लिए। ये दोबारा जर्मनी में। अभी काफ़ी सारा रश है, तो थोड़ी देर के बाद हम भी वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे। तो ये साथ में ये अट्रैक्शन बनाई हुई है, टावर है, इसको बुद्धवेन टावर कहते हैं। यहाँ पे ऊपर जाने की टिकट है और ये यहाँ पे कैफ़े वगैरह हैं, खाने पीने के शौकीन हजरात यहाँ पे भी थोड़ा टाइम बता सकते हैं। और इस जगह पर लेबिरिंथ पार्क है। 12 साल और उससे बड़े की 4 यूरो की टिकट है, 11 साल और उससे छोटे की 2.5 यूरो की टिकट है। सब लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने का शर्फ ज़रूर हासिल करना चाहते हैं। व्यूवर्स, इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारे वॉकिंग टूर्स हैं। आप जितना दिल करे वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं इधर को एक टूर जा रहा है, इधर से भी आप जा सकते हैं एक नया टूर लेके, और इधर को भी जा सकते हैं आप टूर करने के लिए, वॉकिंग टूर करने के लिए। हर तरफ से आप यहाँ पर वॉकिंग टूर कर सकते हैं। इस तरह के साइन बोर्ड हैं, जो येलो क्रॉस है वो एक टूर है और जो रेड वाला है वो दूसरा टूर है। काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पे संडे के दिन। ये यहाँ पे बेल्जियम, वो बी लिखा हुआ है। इस तरफ को जर्मनी, डॉइसलैंड उसको बोलते हैं, वो डी लिखा हुआ है। और इस तरफ NL लिखा हुआ है, ये वाला, ये है हॉलैंड, नीदरलैंड्स बोलते हैं इसको।
हम जस्ट इन टाइम ही यहाँ पे पहुँच गए। अब देखिए कितना रश यहाँ पे होना शुरू हो गया है और पार्किंग में अंदर आने के लिए भी लोगों की गाड़ियों की कितनी लाइन लगी हुई है। इस तरफ भी है और वो जो नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी लाइन भी वहाँ पे लगी हुई है और ऊपर जाने वालों का भी अभी रश होगा। ये लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं हम। ये 50 मीटर ऊंचा है हाइट इसकी, इस टावर की। व्यूअर्स, ये ऊपर हम आ चुके हैं उस बुधविंड टावर जो है उसके ऊपर, बहुत हाइट पे है। ये देखिए इस तरफ को बेल्जियम है, ये वाला हॉलैंड और इस तरफ जर्मनी। ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, हाल ठहर गए हैं लोग अभी भी, और जोग दर जोग आ रहे हैं। आप जैसे आप देख रहे हैं वो गाड़ियाँ, उससे पीछे भी वहाँ पे दो बड़ी बड़ी पार्किंग्स हैं, उससे पीछे भी एक पार्किंग थी, तो लोग सही इस संडे को एंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ से देखते हैं कि कैसा नज़ारा है। कोल्ड तो होगा, वाओ ऐसा दिखता है ऊपर से ये टावर। टावर के की टॉप पे आ चुके हैं और ये कि शीशा नहीं है, इधर आप डायरेक्ट देख सकते हैं व्यू को। बहुत ठंडी यख ठंडी हवा चल रही है, इधर जंगल और इनके अंदर से वो वॉकिंग टूर्स भी जाते हैं। हाँ मतीन, ठंड तो नहीं लग रही बेटा? हाँ, आर यू एंजॉयिंग? या ओके। वो एक लैबिरिंथ बनी हुई है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं उसके अंदर। नसीन, बहुत ज़्यादा ठंड है, यख ठंडी हवा चल रही है, हाथ बिल्कुल ठठर गए हैं। अभी नीचे चलते हैं जी। व्यूवर्स, नीचे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी ऊपर और यख ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी बुलंदी भी है तो इसलिए हवा और ज़्यादा लग रही थी ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। ये अभी का लंच है, आलू और उसके ऊपर सॉस डाला है समुराई, वो बहुत तीखा होता है। नाज़रीन, गरम गरम चिप्स खाए हैं तो थोड़ी सी सर्दी का एहसास कम हुआ है। वो चिप्स का एक जो आपने पैकेट सा देखा था, वो डब्बा सा, वो 5 यूरो का था, तो काफ़ी महंगे हैं इधर। ये आलू भी आगे आपको दिखा रहा था ऊपर से, ये लैबिरिंथ है, इसके अंदर आप जा सकते हैं, इसकी भी टिकट होगी। ये अब हम हॉलैंड में दाखिल हो चुके हैं। हॉलैंड का झंडा फ्लैग, वो पीछे वाला जो था वो बेल्जियम वाला था, जहाँ से हमने आलू खाए अभी, और वो जो टावर है वो भी बेल्जियम में ही है, बुधविंड टावर। बुधविंड जो है वो इनके किंग का नाम था। ये सारा इलाका यहाँ पे आप
विज़िट कर सकते हैं, वो लैबिरिंथ की एंट्री है। वहाँ पे आप देख सकते हैं लोग वो लैबिरिंथ के अंदर फिर रहे हैं। जस्ट एक अट्रैक्शन है बुलबुलैया, जिसको उर्दू में बोलते हैं लैबिरिंथ। और वहाँ पे एक लच्छे बनाने वाला खड़ा है, जो म्यूज़िक भी बजा रहा है साथ में। ये यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाई हुई है, ताकि बड़े लोग वहाँ पे कैफ़े में बैठ के कुछ खा पी सकें, तो बच्चों को इधर छोड़ देते। नाज़रीन, ये हॉलैंड में है सबसे हाई पॉइंट, ये वाली जगह। ये जहाँ पर फोटो खींच रहे हैं, ये हॉलैंड में सबसे हाई पॉइंट है। ये है तकरीबन 322 मीटर हाई है, ये सबसे हाई है, पैता समुंदर से 322 मीटर की हाइट हॉलैंड में। बेल्जियम में इससे ज़्यादा हाई पॉइंट्स हैं, और जर्मनी में तो आपको पता ही है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये राइडर्स जर्मनी से आए हुए हैं, और ये बाइकर्स, बहुत सारे ग्रुप भी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वॉकिंग वाले ग्रुप्स भी हैं, साइकिलिंग वाले भी हैं, और इसके अलावा बाइकर्स भी आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स की शक्ल में। जर्मनी से होते हुए वापस बेल्जियम जाते हैं। जी व्यूवर्स, ये आज का व्लॉग फाल्कनबर्ग का, ये 3 मुल्कों के बॉर्डर्स पॉइंट का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।